बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक स्विच स्टेटमेंट इन पीएचपी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पीएचपी स्विच केस समटाइम्स इट इज कॉल्ड नॉर्मली वी से स्विच स्टेटमेंट्स इन द पीएचपी, राइट। सो स्विच केस इज सिमिलर टू द इफ देन एल्स इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर like other languages like C++, etc. So basically it is a control structure. So whenever we need to handle the multiple if else statements, so it's the best choice, switch statements. So it only executes a single block of code depending on the value of the conditions. So it checks the conditions. Conditions mean we say cases, right? So it checks the case depending on the conditions. If case is true, the case value is matching with this, so it will be executed the concerned case. Otherwise, if the all cases are not true, then it will jump to the default case. So if no condition has been met, then the default block of the code is executed. देखिए, हम बात करते हैं स्विच केस की, तो बिल्कुल दूसरे लैंग्वेजेस C++ है या जावा है या ऑरेकल है, ठीक है जी। और पर हमारे पास क्या है, स्विच केसेस होते हैं। सो इफ मल्टीपल इफ एल्स को कंट्रोल करने के लिए स्विच केस को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, केसेस है, हम वहाँ पर कंडीशन कहते हैं, यहाँ पर इनको केसेस कहते हैं। और अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो कंट्रोल कहाँ पर चला जाता है, डिफॉल्ट केस पे चला जाता है। इसका ज़रा सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ये तो एज यूजुअल पीएचपी का कोड, कीवर्ड स्विच और कंडीशनल्स, फिर ओपनिंग ब्रेसेस किसका, स्विच का, केस वैल्यू वन अगर ट्रू हो तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट कर दो, इसके बाद ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आपको करंट जो केस वो है स्विच है यहाँ से आपको बाहर निकाल देगा, यहाँ पर ले आएगा, ठीक है जी। अगर ना हो तो केस टू पर आएगा, इस तरह केस थ्री पर, एन अप टू एन केसेस हम दे सकते हैं। अगर कोई भी केस ट्रू ना हो, कोई भी केस मैच ना कर रहा हो, तब कंट्रोल कहाँ पर जाता है, डिफॉल्ट पर चला जाता है, और डिफॉल्ट में जो कोड हमने दिया उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद बाहर निकल आता है, ठीक है जी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कलर वेरिएबल ले लिया, डॉलर साइन कलर, और उसमें हमने असाइन कर दिया क्या, एक ब्लू दे दिया। फिर स्विच में डालते हैं, स्विच में कहते हैं जो कंडीशंस है यानी जो पैरामीटर हमने लिया वहाँ पर असाइन कर दिया। अब केस अगर रेड होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा और ब्रेक कर देगा, नहीं है तो कहाँ पर आएगा, केस ब्लू पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है जी। ये नहीं है तो कहाँ पर आएगा, ग्रीन पर आएगा। हमने बेसिकली तीन कलर के लिए दिए हुए हैं कि केस रेड को चेक करें, केस ब्लू को चेक करें और केस ग्रीन को चेक करें। आप उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और हमें यहाँ पर तीन केसेस दिए हैं, तीन कलर केस में डाले। अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है तब कंट्रोल कहाँ पर आएगा, डिफॉल्ट पर आएगा और हमें मैसेज शो करेगा, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू नार ग्रीन। ओके जी, इसका यहाँ पर जरा हम वो देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। सपोज हमने जो कोड किया हुआ था उसमें हमने ब्लू दिया था, तो यहाँ पर कह रहा है कि योर फेवरेट कलर ब्लू। इसको जरा हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें पता लगे क्या है। इसको न्यू कर लेता हूँ, ठीक है, किससे खत्म हो जाएगा। पीएचपी, ठीक है जी, लेता हूँ डॉलर साइन कलर, एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं कहता हूँ ब्लू, नीचे आते हैं, स्विच शुरू करते हैं, स्विच, और उसमें इसको फीड करते हैं डॉलर साइन कलर, और इसकी ओपनिंग स्विच की और इसकी क्लोजिंग स्विच के लगाते हैं। केस कौन सा है, डबल कोट में कहता हूँ रेड हो तो इको करे, इको डबल कोट में, सपोज मैं कहता हूँ योर फेवरेट कलर इज रेड,
और ब्रेक करते हैं। नहीं तो केस टू पर आते हैं। केस टू नेक्स्ट केस जो है हम कहते हैं क्या ब्लू देते हैं और नीचे ई को करते हैं। ई को करके हम कहते हैं योर फेवरेट कलर इज ब्लू और ब्रेक करते हैं। नहीं ये एक मजीद एक केस डाल देते हैं। केस कौन सा सपोज देते हैं ग्रीन देते हैं और इको करते हैं क्यों योर फेवरेट कलर इज ग्रीन और ब्रेक करते हैं। नहीं ये तो डिफॉल्ट पर आते हैं और इको करते हैं। ठीक है मैं पेस्ट कर देता हूँ एक कोड को और आखिर में ब्रेक आपकी मर्ज़ी लगाते हैं नहीं लगाते बहरहाल अपनी कोशिश किया करें कि लगाया करें और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज हमने लगाया मेरा लगाया जी लगाने की ठीक है हमने लगाया था पहले से और इसके बाद ब्रेक करते हैं निकल आते हैं कोड को। हमारा कोड तैयार हो गया इसको सेव करते हैं पहले पहली फुर्सत में सेव स्विच स्विच स्टेटमेंट इन पीएचपी असल में मेरे पास स्विच की और भी यहाँ पर रिगार्डिंग मौजूद है तो कंबाइन हो रही है मैं इनको शार्ट कर देता हूँ स्विच पीएचपी कर देता हूँ। ठीक है जी स्विच पीएचपी केस कर लेता हूँ। ठीक है पीएचपी केस इन पीएचपी सो मेरे पास रिकॉर्डिंग स्विच स्टेटमेंट की है तो इससे मिक्सअप हो जाती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया स्विच पीएचपी केस डॉट पीएचपी सो डॉट पीएचपी इसका एक्सटेंशन हो गया कहाँ पर वेब में www.php प्रोक्स में सेव करते इसको सेव हो गया। इसको इनेबल करते देखते हमारे पास इनेबल है नहीं है रन करते इसको वेब सर्वर को ये रेड 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 से ऑरेंज ऑरेंज हो जाओ ऑरेंज हो गया और ग्रीन मतलब वर्किंग मोड में आ गया। अब आते हैं इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट को इनेबल कर लेता हूँ। लोकल होस्ट वेम का पेज आ जाता है इससे अगर वेम है तो वेम आएगा जेम है तो जेम का आएगा। आते हैं यहाँ पर पीएचपी प्रोक्स पर हमारे फाइल का नाम क्या है स्विच पीएचपी केस डॉट पीएचपी क्लिक करते हैं देखो योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड और ग्रीन देखते हैं हमने क्या दिया इसको हमने वर्ड दिया है वर्ड तो नहीं है ना हमारे पास देखें रेड ब्लू ये नहीं है हम इस दफ़ा क्या देते हैं इस दफ़ा देते हैं हम टाइप करते ब्लू टाइप करते कोड थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया अच्छा सेव करते हैं और रन करते इसको आते हैं ये योर फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक है कोई और कोड कलर देते इसको हम चाहते हैं रेड पर आ जाए तो हम यहाँ से रेड लिखते हैं रेड आर ई डी रेड सेव किया इसको और रन करते इसको और से देखें योर फेवरेट कलर इज रेड। ओके जी ये था हमारा टॉपिक। सो फिर भी कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरी है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। ठीक है सो ये हमारा रन था इसका थैंक यू जी।